चुनावों को लेकर ये घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं के स्लोगन के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कार्यालय से इसकी घोषणा की। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को साथ लेकर चलने की प्रतिज्ञा है। प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन से बातचीत की। वो तो 40% वाला बहुत पहले कर दिया और दीदी ने बहुत अच्छे से कर दिया, क्योंकि सोनिया जी ने भी हमारे प्रयास किया था और उसका बिल पास नहीं हो पाया किसी राजनीतिक कारणों की वजह से। लेकिन अगर आज ये घोषणा हुई है तो हम लोगों को तो दिवाली दशहरा और ये देवी माता का प्रसाद है जिन महिलाओं के लिए। आप बुजुर्ग लग रही हैं, काफी नाराज लग रही थी अभी। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं भी कानपुर से आई हूँ और महिलाओं को लेके आई हूँ और उसके बाद भी मुझको सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम भी मिलना चाहते हैं प्रियंका जी से, जबकि मैं ये जानती हूँ कि अगर प्रियंका जी चाहेंगी तो हम चले जाएंगे, वो मना नहीं करने वाली। लेकिन इनका कहना है कि आदेश आएगा तब भेजेंगे आपको। मिलने तक नहीं दिया जा रहा तो टिकट की क्या उम्मीद, टिकट की क्या उम्मीद कर सकते हैं जब महिलाओं को, पदाधिकारियों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, जिले के पदाधिकारियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं तो कारण है, क्यों क्यों नहीं मिलने दिया? अब भाई सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो नहीं सही है, इसीलिए हम लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। अगर सिक्योरिटी सही होती, प्रोटोकॉल बनता तो हम बड़े नेता भी हैं क्या जो नहीं मिलने? नहीं, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष है, उनको बुलवाना चाहिए हम लोगों को, वो भी नहीं संज्ञान में ले रही है। हाँ, करिश्मा जी अंदर है, वो अंदर फोन नहीं उठा रही, मैं उनको बार बार फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है, उनको बुलवाना चाहिए। अगर वो अंदर है, वो प्रियंका जी से कहेंगी तो फौरन बुला लिया जाएगा। इंतजार कर रही हैं? अरे मैं तो यहाँ पे, हम लोग एक घंटे से पहले तो वहीं थे उनके कार्यक्रम में, हम लोग तो यही है और इधर ही साइड में सबसे आगे थे ही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 40% सीटें जो है वो रिजर्व कर दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य जी, क्या इस निर्णय से कुछ परिवर्तन दिखेगा? क्या जो कांग्रेस है वो जमीन पर मजबूत होगी इस निर्णय से? देखिए, 40% टिकट महिलाओं को देने का जो फैसला आज प्रियंका गांधी जी ने किया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो फैसला हुआ है इसका प्रभाव भारत की राजनीति पे जरूर पड़ेगा। बात करें कि जैसे विरोधी भी कहते हैं, विपक्षी भी करते हैं कि अगर कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाशिए पर है, तो हाशिए से ऊपर भरने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है कि या महिलाओं के उत्थान के लिए वाकई में निर्णय लिया गया, और महिलाओं के उत्थान के लिए निर्णय लिया गया है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं? देखिए, आज एक कदम उठाया गया है, प्रियंका गांधी जी ने जो फैसला लिया है उसको सभी राजनीतिक दलों को उसका अनुसरण करना चाहिए, और एक दिन आएगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां प्रियंका गांधी जी को फॉलो करेंगी। ये फैसला भारत की राजनीति को बदल देगा, ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका समर्थन भी किया जाना चाहिए और इसको, इसकी सराहना भी की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने जो ये कदम उठाया है ये कोई सामान्य घोषणा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका असर भारत की राजनीति पर पड़ना अवश्य संभावी है। आचार्य जी, आप भी आजकल चर्चा में हैं शिवपाल जी के साथ नजर आ रहे हैं। शिवपाल जी हमारे हृदय में हैं और शिवपाल जी के लिए हमारी बाहें, हमारा दिल हमेशा खुला है। क्या कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? समय आने पे मैं बताऊंगा। ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिन्होंने कहा कि जो 40% सीटों के लिए बात की जा रही है वो एक परिवर्तन का विषय है और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन आएगा। और एक बात जरूर उन्होंने की शिवपाल को लेकर, कि शिवपाल उनके हृदय में है, तो अब ये देखना होगा कि शिवपाल यादव का अगला रुख क्या होता है, क्या कांग्रेस पार्टी और शिवपाल यादव की कोई बातचीत चल रही है, ये आने वाला समय बताएगा। लखनऊ से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला के लिए और सिविश महोबा से खबर।